हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर जेनेटिक बायो क्लासेस तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन मानव जनन का पार्ट सिक्सटीन भाग सोलह में पढ़ने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड मादा जनन ग्रंथी तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो ग्लैंड हिंदी में इसे ग्रंथी कहते हैं तो जो फीमेल में मादा में जो जनन ग्रंथी होती है रिप्रोडक्टिव ग्लैंड होते हैं उसे हम लोग कहते हैं वेस्टिबुलर ग्लैंड हिंदी में भी इसे वेस्टिबुलर ग्लैंड ही कहते हैं ठीक है तो वेस्टिबुलर ग्लैंड जो होता है वो मादा का फीमेल का जनन ग्रंथि है रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है ठीक है जिस प्रकार के हम लोगों ने मेल में मतलब नर में रिप्रोडक्टिव ग्लैंड के बारे में पढ़ा था जनन ग्रंथि के बारे में पढ़ा था बिल्कुल उसी प्रकार हम लोग अभी यहाँ पे मादा ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे ठीक है दीज आर ऑफ टू टाइप्स ये दो प्रकार के होते हैं कहने का मतलब क्या है कि जो वेजटिबुलर ग्लैंड होते हैं ना वो दो प्रकार के होते हैं वेजटिबुलर ग्लैंड दो प्रकार के होते हैं जो पहला ग्लैंड होता है वेजटिबुलर उसका नाम है लेजर वेजटिबुलर ग्लैंड मतलब कि छोटा वेजटिबुलर ग्लैंड और दूसरा होता है ग्रेटर वेजटिबुलर ग्लैंड ठीक है तो हम लोग पहले लेजर वेजटिबुलर ग्लैंड के बारे में पढ़ लेते हैं कहता है लेजर वेजटिबुलर ग्लैंड इट आल्सो कॉल्ड पारा यूरेथल ग्लैंड और ग्लैंड ऑफ सेकनी ठीक है मैं हिंदी में भी पढ़ देता हूँ छोटी वेस्टिबुलर ग्रंथियाँ इसे पारा यूरेथल ग्रंथि या खाल की ग्रंथि भी कहा जाता है ठीक है तो अभी यहाँ पे क्या कहता है कि जो फीमेल में मादा में जो पहला ग्रंथि होता है पहला जो जनन ग्रंथि होता है उसे हम लोग कहते हैं लेजर वेस्टिबुलर ग्लैंड हिंदी में कहते हैं छोटी वैष्ठुल ग्रंथि ठीक है तो इसे दूसरे नामों से भी जाना जाता है जिसे हम लोग पारा यूरेथरल ग्रंथि भी कहते हैं ठीक है है ना या इसे हम लोग ग्लैंड ऑफ सेकनी भी कहते हैं ठीक ना मतलब खाल की ग्रंथि भी इसे कहा जाता है कहता है दीज आर नंबर ऑफ मिनट ग्लैंड दैट आर प्रजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द यूरेथरल ऑरिफिश यह छोटी छोटी बहुत सारी ग्रंथियाँ होती है जो मूत्र मार्ग छिद्र के दोनों ओर मौजूद है ठीक ना कहने का मतलब है कि जो लेजर वेस्टिबुलर ग्रंथ होती है छोटी वेस्टिबुलर ग्रंथि होती है सबसे पहली बात तो ये छोटी छोटी होती है इसीलिए ये तो छोटी है लेजर है ठीक ना और दूसरी बात क्या है कि ये ना बहुत सारी मात्रा में होती है बहुत सारी संख्या में होती है ठीक है नंबर इसके ज़्यादा होते हैं या मतलब कि बहुत सारी ग्रंथियाँ होती हैं और ये होता कहाँ पर इसका जो लोकेशन होता है वो कहाँ होता है तो कहता है कि आइदर साइड ऑफ यूरेथरल ऑरिफिस मतलब जहाँ की पिशाब का रास्ता खुलता है जहाँ मूत्र मार्ग खुलता है है ना मूत्र मार्ग छिद्र जहाँ खुलता है ठीक है यूरेथरल ऑरिफिस खुलता है वहीं पे जो ये सारी ग्रंथियाँ पाई जाती है ठीक है तो कहने का मतलब है ये ग्रंथी बहुत छोटी छोटी होती है और इसकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है साथ ही ये कहाँ खुलती है मूत्र मार्ग के छिद्र पर मतलब यूरेथरल ऑरिफिस के पास ये होती है ठीक है आगे कहता है दीज ग्लैंड आर होमोलोगस टू द मेल प्रोस्टेड ग्लैंड एंड सेक्रेट म्यूकस ये ग्रंथियाँ पुरुष प्रोस्टेट ग्रंथि के समझात होती है और स्लेम का श्रॉव कहती करती है ठीक है कहने का क्या मतलब है कि ये जो लेजर वेस्टिबुलर ग्लैंड होती है छोटी छोटी जो वेस्टिबुलर ग्लैंड होती है ये क्या होती है ये होमोलोगस होते हैं किसके मेल के प्रोस्टेट ग्लैंड के जरा ठीक ना मतलब कहने क्या मतलब है कि फीमेल का मादा का लेजर वेस्टिबुलर ग्लैंड छोटी वेस्टिबुलर ग्लैंड है ना नर का मतलब मेल का प्रोस्टेट ग्लैंड के जैसा ही कार्य करता है काम करता है ठीक ना याद है हम लोग जब नर ग्रंथि के बारे में पढ़ रहे थे नर जनन ग्रंथी के बारे में पढ़ रहे थे मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड के बारे में पढ़ रहे थे तो वहाँ भी हम लोगों ने इस बात का चर्चा किया था कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड होते हैं वो है ना क्या निकालता है सेमिनल प्लाज्मा निकालता है जो कि एक प्रकार का चिपचिपा पदार्थ होता है ठीक उसी प्रकार जो है यहाँ पे फीमेल में मादा में भी है ना जो लेजर वेजिबुलर ग्लैंड होती है वो भी क्या निकालती है मुकर्स निकालती है स्लेम का शराब करती है स्लेम मतलब एक चिपचिपा पदार्थ ठीक ना तो इस प्रकार से यहाँ एक ऑब्जेक्टिव क्रिएट हो रहा है ऑब्जेक्टिव बन रहा है आप लोग के लिए वो क्या है कि जो फीमेल में कौन सा वो ग्लैंड है कौन सा वो ग्रंथि है जो मेल के मतलब नर के है ना ग्रंथि के समझात होता है होमोलोगस होता है तो मेल का प्रोस्टेट ग्लैंड और फीमेल का है ना लेज़र वेस्टिबुलर ग्लैंड जो होता है एक दूसरे के समझात है मतलब होमोलोगस है ठीक है आगे कहता है कि जो दूसरा ग्लैंड है दूसरा ग्रंथि है वो है ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड ठीक ना दूसरा क्या है ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड है इसमें क्या कहता है इट इज ऑल्सो नोन एज बार्थोलिनस ग्लैंड ठीक ना इसे मैं हिंदी में भी पढ़ देता हूँ वृहद वेस्टिबुलर ग्रंथियाँ इसे बार्थोलिन की ग्रंथि भी कहा जाता है कहने का क्या मतलब है कि जो ग्रेटर वेस्टिबुलर जो मादा का दूसरा ग्रंथि है फीमेल का जो दूसरा ग्लैंड है रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है उसका नाम क्या है ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड ठीक है और इसे हम लोग बार्थोलियंस ग्लैंड के भी नाम से जानते हैं मतलब बार्थोलियन की ग्रंथी के भी नाम से इसे हम लोग जानते हैं सबसे पहली बात यहाँ शब्द से ही पकड़िए वर्ड से पकड़िए कि ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड मतलब कि बड़ी वेस्टिबुलर ग्रंथी ठीक ना इससे पहले छोटी थी अब ये क्या है बड़ी वेस्टिबुलर ग्रंथी है ठीक है इसके बारे में चलिए और जान लेते हैं डीज ग्लैंड आर पेयर्ड ग्लैंड सिचुएटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ द वेजिनल ऑरिफिस ये ग्रंथियाँ जोड़े में होती है जो योनि छिद्र के दोनों तरफ स्थित होती है ठीक है कहने का क्या मतलब है कहने का क्या मतलब है कि ये जो ग्रंथि होती है मतलब ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड है ना वृहद वेजुलर ग्लैंड ये जो होती है ये हमेशा जोड़े में होती है ठीक है मतलब दो होती है ठीक है और ये कहाँ होती है योनि छिद्र के दोनों ओर मतलब जो बीच में योनि का द्वार होता है वेजिनल ओपनिंग होता है जहाँ पे जैसे वेजिनल ऑरिफिस कहते हैं तो वेजिनल ओपनिंग मतलब वेजिनल ऑरिफिस के दोनों साइड होता है एक इस साइड और एक इस साइड और, और ये बड़ी बड़ी होती है ठीक है तो जो लार्जर वेस्टिबुलर ग्लैंड होता है ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड होता है ठीक ना वो क्या होता है कि फीमेल के वेजिना के ओपनिंग वाले हिस्से पे, जहाँ पे वेजिना खुलती है उस जगह पे ये दोनों ओर से पाए जाते हैं ठीक है पहली बात और दूसरी बात क्या है कि ये जोड़े में पाए जाते हैं ठीक ना मतलब ये दो होती है संख्या में जबकि जो वेस्टिबुलर जो स्मॉल वेस्टिबुलर ग्लैंड थी छोटी वेजिटिवल ग्लैंथ थी ना वो बहुत सारी थी संख्या में और छोटी छोटी थी ये बड़ी होती है और संख्या में क्या होती है दो ही होती है जो योनि छिद्र मतलब वेजिनल ऑरिफिस के दोनों साइड में पाई जाती है ठीक है हैलैंड आर होमोलोगस टू द बलबूथरल ग्लैंड कॉपर्स ग्लैंड ऑफ मेल ये ग्रंथियाँ पुरुष के बलबूथरल ग्रंथियों कॉपर ग्रंथियों के समझात होती हैं ठीक है कहने क्या मतलब है कि यहाँ पे भी आपके लिए एक ऑब्जेक्टिव तैयार हो रहा है कि फीमेल का वो कौन सा और ग्लैंड है जो मेल के बलबूथल ग्लैंड के होमोलोगस होता है कहने का क्या मतलब है कि मादा में वो कौन सी जनन ग्रंथि है जो नर के है ना बलबूथल ग्रंथि जिसको हम लोग कॉपर ग्लैंड भी कहते हैं उसके समझात होती है मतलब उसी के जैसा ही कार्य करता है ठीक है तो कौन सा वो ग्लैंड है वो ग्लैंड है ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड मतलब वृहद वेस्टिबुलर ग्लैंड तो मादा का मैंने फीमेल का ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड वृहद वेस्टिबुलर ग्लैंड और नर का मतलब मेल का बलबूतर ग्लैंड दोनों क्या होता है होमोलोगस होता है मतलब एक ही जैसा काम करता है फंक्शन करता है ठीक है कहता है दिस ग्लैंड सेक्रेट वेसिड फिल्यूर दैट सप्लीमेंट्स लुब्रिकेशन ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स यह ग्रंथि चिपचिपे द्रव का शराब करती है जो संभोग के दौरान गीला करता है कहने का क्या मतलब है कि ये जो ग्रंथियाँ होती है जो लार्ज वेस्टिबुलर ग्लैंड होती है इसका क्या काम है ये ना एक चिपचिपा दरबिया पदार्थ निकालती है मतलब वेसिड फ्लूड निकालती है ठीक है और ये वेसिड फ्लूड क्या करती है कि जब एक नर एक मादा के साथ मतलब एक मेल एक फीमेल के साथ संभोग करता है सेक्सुअल इंटरकोर्सिंग करने लगता है तो उस समय ये जो चिपचिपा द्रव पदार्थ होता है वेसिड फ्लूड होता है वो क्या करता है कि फीमेल के जेनेटिकल ट्रैक को जनन रास्ते को जनन मार्ग को और नर के पेनिस को है ना मेल के पेनिस को लुब्रिकेट करके रखता है मतलब उसे गीला करके रखता है ताकि इंटरकोर्सिंग करने के दौरान संभोग करने के दौरान किसी भी प्रकार की कठिनाई न हो ठीक है तो इस बात को याद रखेंगे इसका क्या काम है ठीक है जैसा कि आपके सामने एक डायग्राम दिख रहा है डायग्राम फीमेल के जो वलवा का डायग्राम है फीमेल में जो वलवा होता है भग होता है बाहर की तरफ उसका डायग्राम है और इसमें देखिए यहां पे जो एक ग्रंथी है ना यहां पे एक ग्रंथी और यहां पे जो एक ग्रंथी है ये दोनों क्या है ये ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड है ठीक ना दो मैंने बताई थी ना दोनों जोड़ी में होती है और योनि के दोनों साइड होती है दोनों साइड होती है है ना और इसे हम लोग बार्थोलियन ग्लैंड भी कहते हैं देखिए यहाँ भी गए ठीक है तो इस प्रकार से जो ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड होते हैं जिसे बार्थोलियस ग्लैंड भी कहते हैं वो भिजना में यहाँ भी पाया जाता है इसी साइड में पाया जाता है ठीक है और जो दूसरा मैंने बताया था कि जो एक छोटा छोटी छोटी जो वेस्टिबुलर ग्लैंड होती है जिसे हम लोग लेजर वेस्टिबुलर ग्लैंड कहते हैं और वो छोटी छोटी होती है और संख्या में बहुत सारी होती है जैसे कि हम लोग स्नेक ग्लैंड्स भी कहते हैं ठीक ना सेक्नी ग्लैंड भी कहते हैं तो वो यहाँ पर पाया जाता है बिल्कुल इसी जगह पर ठीक है तो ये डायग्रामेटिक बेस पर आप लोग समझ रहे हैं यहाँ पर ठीक है आज की वीडियो में इतना ही फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो बनाऊं वो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट्स